हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड एक्शन मूवी को जिसका नाम है ब्लैक पैंथर, और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी की स्टार्टिंग सदियों पहले एक वकांडा नाम की कंट्री से होती है, जहां पर एक जादुई पत्थर आकर गिरता है और उस पत्थर को हम वाइब्रेनियम नाम से जानते हैं। वकांडा का कोई भी इंसान उस वाइब्रेनियम को यूज़ करता था तो उस इंसान के अंदर ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती थी और वो ब्लैक पैंथर में बदल जाता था। फिर वाइब्रेनियम को यूज़ करके वकांडा बहुत ही डेवलप कंट्री बन चुका था। इसके बाद मूवी 1992 में आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम देखते हैं एक सिटी होती है जहां पर काफ़ी लोग खेल रहे होते हैं और वहां पर किंग टजाका आ जाते हैं जो कि वकांडा कंट्री के किंग होते हैं। और इसके बाद वो एंजाबू नाम के एक आदमी से मिलते हैं। किंग वहां पर कहता है, तुम हमारी कंट्री से वाइब्रेनियम चोरी करके चोरों को बेचते हो, और वो कहता है अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहां पर उसे पता चलता है और उसने एक और आदमी को वाइब्रेनियम बेचा है। इन सारी बातों को पता लगाने के लिए उसने अपना एक बंदा एंजाबू के पास रखा हुआ था। इसके बाद उसका सारा राज किंग के सामने खुल जाता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में सीन आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम किंग टजाला को देखते हैं जो कि किंग टजाका का बेटा होता है। किंग टजाका की मौत के बाद अब उसका बेटा किंग बनने वाला था और उसके पास लड़ने के लिए काफ़ी सारी आर्मी भी थी। इसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी के साथ एक मिशन पर जाता है जहां पर उसे एक लड़की को बचाना था, और उस लड़की को बचाते हुए उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। किंग टजाला चाहता था जब अगले दिन उसे किंग बनाया जाए तब वो लड़की भी उसके साथ हो। इसके बाद अगले सीन में हम वकांडा की क्वीन को देखते हैं जो टजाला की माँ थी। इसके बाद हम उसकी बहन को भी देखते हैं। वकांडा में एक रस्म थी, किसी भी ब्लैक पैंथर को किंग बनने से पहले अपनी काबिलियत को साबित करना था। इस रस्म में किंग टजाला को किसी दूसरे कबीले के सरदार के साथ फाइट करनी थी, और जो भी इस फाइट में जीत जाता है वो वकांडा का किंग बन जाता है। इसके बाद हम ब्लैक पैंथर को दूसरे कबीले के सरदार के साथ फाइट करता हुआ देखते हैं। फिर इस फाइट के बाद टजाला जीत जाता है और उसे किंग बना दिया जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं। इसका नाम एरिक स्टीवन था, जिसको हम एक म्यूजियम में देखते हैं जहां पर ये एक मास्क को चुराने वाला था जिसके अंदर वाइब्रेनियम था, और ये बात वकांडियंस को पता चल जाती है। इसके बाद किंग टजाला मतलब ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम को वापस लाने के लिए अपनी आर्मी के साथ एक प्लान बनाता है। वो कहता है जब एरिक स्टीवन ये वाइब्रेनियम असल चोर को बेचेगा तब हम उसे पकड़ लेंगे, और जिसे वो बेचेगा वो भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद ब्लैक पैंथर को उस चोर के बारे में पता चल गया था। जब ब्लैक पैंथर के सामने एरिक स्टीवन और वो चोर आता है, फिर ब्लैक पैंथर अपने असली रूप में आ जाता है और इन सब पर अटैक कर देता है। लेकिन उस चोर ने पहले से ही काफ़ी वाइब्रेनियम इकट्ठा कर रखा था और उसने काफ़ी सारे वेपन्स बनाए हुए थे, और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और समझदार था। वो उस चोर को पकड़ लेता है और चोर को पकड़कर एक फैसिलिटी के अंदर रखा जाता है, जहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस चोर से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। और वकांडियंस इस पूरी कॉन्वर्जेशन को सुन रहे थे तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट एरिक ने किया था और वो चोर को छुड़वा कर अपने साथ ले जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से पुलिस ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसे वकांडा ले आता है ताकि वो उसके डैमेज पार्ट को फिर से ठीक कर सके। फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्लैक पैंथर अपने फादर के दोस्त के पास आता है। उसके फादर के दोस्त उसे एक जड़ी बूटी पिलाते हैं। उस जड़ी बूटी को पीने के बाद ब्लैक पैंथर कुछ टाइम के लिए अपने फादर को देख सकता था। तब ब्लैक पैंथर अपने फादर से पूछता है, आपने 1992 में किस आदमी को मारा था? ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से वाइब्रेनियम पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत सारे चोर इस वाइब्रेनियम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ब्लैक पैंथर के फादर उसको सारी सच्चाई बताते हैं, अगर मैं उस टाइम उस आदमी को नहीं मारता तो वो हमारे आदमी को मार देता, इसलिए मुझे उस आदमी को मारना पड़ा। तब ब्लैक पैंथर पूछता है उसके बेटे का क्या हुआ, लेकिन उसके फादर उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें इस स्टोरी में पता चलता है वो छोटा बच्चा कोई और नहीं एरिक स्टीवन था, जो उस चोर को बचाकर एक सेफ जगह पर ले आता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। अब एरिक स्टीवन अपना असली रूप दिखाता है
और उस चोर को मार देता है और उसे बकांडा लेकर आता है, जहां पर ब्लैक पैंथर से कहता है, तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मार दिया था और इस वकांडा कंट्री का असली वारिस मैं हूँ। फिर उस रस्म के चलते इन दोनों में एक फाइट होती है और उस फाइट में एरिक स्टीवन सबको धोखा देता है और ब्लैक पैंथर को पानी में नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो चाहता था इसके बाद उसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो और पूरे वकांडा का किंग बन जाए। इसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सभी जड़ी बूटियाँ थीं जिसको पीने से ब्लैक पैंथर की असली पावर आती थी। पावर मिलने के बाद एरिक सबको मारकर उस पूरी खेती को जला देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी उसका कॉम्पिटिटर ना हो। जब वो किंग बन जाता है तब उसका एक ही मकसद होता है, वाइब्रेनियम को दूसरे चोरों को बेचना और साथ ही इनलीगल वेपन्स को बनाना जिससे सारी दुनिया उनके सामने झुक जाए और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। इसके बाद अगले सीन में हम ब्लैक पैंथर की मॉम और उसकी बहन और उस लड़की को देखते हैं जिससे वो प्यार करता है। वो लोग एक कबीले के पास जाती हैं जबकि उस कबीले का लीडर ब्लैक पैंथर का कॉम्पिटिटर था। ब्लैक पैंथर की फैमिली के रिक्वेस्ट करने के बाद उस कबीले का लीडर डिसाइड करता है अब वो ब्लैक पैंथर से नहीं लड़ेगा। फिर वो लीडर ब्लैक पैंथर की फैमिली को बताता है, ब्लैक पैंथर की बॉडी हमारे ही पास है। फिर वो उस जड़ी बूटी को ब्लैक पैंथर को पिला देते हैं जिससे पुरानी पावर वापस आ जाती है और ब्लैक पैंथर फिर से लड़ने के लिए एरिक के पास आ जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एरिक ने वाइब्रेनियम को यूज़ करके बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना लिए हैं और वो एयरक्राफ्ट को दूसरी कंट्री में बेचना चाहता था। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और उसके एयरक्राफ्ट को रोक लेता है ताकि वाइब्रेनियम वकांडा में ही रहे। जब उसकी आर्मी ब्लैक पैंथर को देखती है कि किंग टजाला वापस आ चुका है, वो एरिक का साथ छोड़कर ब्लैक पैंथर के साथ मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर फाइनल फाइट ब्लैक पैंथर और एरिक के साथ होती है। दोनों के पास में वाइब्रेनियम वाला सूट था। इसके बाद वो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट करते हैं। फिर लास्ट में ब्लैक पैंथर एरिक को हरा देता है। इसके बाद आगे सीन में हम देखते हैं ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम को दूसरी कंट्री के साथ बांटने के लिए रेडी हो जाता है और वो इस बात की अनाउंसमेंट एक यूएन में करते हैं। फिर वो यूनाइटेड नेशन में बताते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी कंट्रियों के साथ भी बांटने वाले हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।